शिमला में मणिकर्ण झड़प मामले पर सीएम सुक्खू ने कहा, कुल्लू के मणिकर्ण में स्थिति है शांतिपूर्ण, हुड़दंगियों के खिलाफ सरकार करेगी सख्त कार्रवाई। शिमला में महिला दिवस पर समारोह का आयोजन, सीएम सुक्खू करेंगे कार्यक्रम में शिरकत, कार्यक्रम में हो रही तैयारियां। मंडी में धूमधाम से मनाई गई होली, लोगों ने लगाया एक दूसरे को रंग, मौके पर पुलिस ने सुरक्षा के रखे पुख्ता इंतजाम। सोलन में गंदा पानी पीने से फैली पीलिया, गंदा पानी पीने से एक छात्रा की हुई मौत, प्रशासन कर रहा छात्रों से बात। नूरपुर में विधायक ने किया सिविल अस्पताल का दौरा, कमियों को दूर करवाने के लिए आश्वासन, कहा जल्द मिलेगी लोगों को सुविधाएं। नमस्कार, हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वक्त तो चला है बुलेटिन का, शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के मणिकर्ण में रात को हुए हुड़दंग के बाद अब स्थिति शांतिपूर्ण है और कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। वहीं यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में मणिकर्ण झड़प पर कही। उन्होंने कहा कि ये मामला धार्मिक और राजनीतिक नहीं है, बल्कि कुछ युवा साथी आपस में भिड़े, उसके बाद सोशल मीडिया में कुछ चीजें वायरल हुई और माहौल तनावपूर्ण बन गया। वहीं बीती रात को स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के बीच कहासुनी के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है और पंजाब और हिमाचल का आपसी भाईचारा है, इसलिए सरकार पंजाब के श्रद्धालुओं की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है और हुड़दंगियों पर भी सरकार नजर बनाए हुए है। मणिकर्ण की घटना की मुझे जानकारी है, वो कोई राजनीतिक और धार्मिक मुद्दा नहीं है। आपस में कुछ युवा साथी वहां भिड़े और उसके बाद वो जो इंटरनेट के माध्यम से कई ऐसी चीजें वायरल हुई है, उस दृष्टिकोण से हमने बोला कि इस प्रकार की कोई चीजें वायरल नहीं होनी चाहिए। और हमने वहाँ जो लोकल लोग हैं उनसे भी हमारी सरकार बात कर रही है कि अब और जो हमारे मणिकर्ण गुरुद्वारा जो हमारे हमारे मनाली में पड़ता है, हमने उसकी पूरी सुरक्षा की और उन सब लोगों की हमारी गारंटी भी बनती है जो बेचारे पंजाब से हमारे मेहमान आते हैं होली मोहल्ला के दिन, उनको सुरक्षा देना हमारा दायित्व भी है। वहीं 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज शिमला के इतिहास में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। वहीं समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उपस्थित हैं और इस उपलक्ष्य में सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के 37 स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जिनका निरीक्षण स्वयं मुख्यमंत्री ने किया। आपको बता दें, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं देश में एक अहम भूमिका निभाती हैं और परिवार के साथ साथ समाज के हर क्षेत्र में भी अग्रिम भूमिका में नजर आती हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, होली का त्यौहार होने के चलते राज्य स्तरीय समारोह का आज आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 तारीख को है, आज तो हम प्रदर्शनी आज तो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन आप महिलाएं हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और महिलाएं हम इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में जो 8 तारीख को आने वाला है, मैं ये कहना चाहूँगी कि महिला नारी शक्ति जो है वो देश की परम शक्ति है, वो घर भी चलाती है, राजनीति भी चलाती है और घर के परिवार के सब सदस्यों को दिशा भी देती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में होली हर जिलों में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है, लेकिन मंडी की होली बिल्कुल ही अलग है। यहां पर सभी लोग सेरी मंच पर एकत्रित होकर एक साथ होली मनाते हैं। वहीं डीजे की धुनों पर थिरकते हुए होली का आनंद हर युवा बड़े व बच्चे लेते हैं। वहीं सोमवार को सुबह ही सेरी मंच पर युवा जुट गए और डीजे की धुनों पर जमकर थिरके। देश भर में जहां 8 मार्च को होली मनाई जाएगी, वहीं मंडी में 2 दिन पहले ही इसका आयोजन हुआ है। राजदेवता माधवराय जलेब के साथ इसका आगाज होता है। वहीं छोटी काशी की होली राजा और प्रजा के बीच आपसी सद्भाव और सौहार्द का प्रतीक मानी जाती है। यहां कार्यक्रम का आयोजन एक निजी कंप्यूटर संस्थान करता है। मंडी की होली खासियत यह है कि यहां गैरों पर रंग नहीं डाला जाता, बिना जान पहचान कर किसी पर भी रंग नहीं डालते और महिलाएं भी बाजार में होली खेलने आती हैं। मंडी में मैंने ये होली 2003 में शुरू की थी और आज ये पूरे हिमाचल के आसपास के प्रदेशों में भी फेमस हो चुकी है। और मंडी के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो
यहाँ आकर डिसिप्लिन रहते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। हर साल ये जो उत्सव है ये बड़े से बड़ा होता जा रहा है, हर साल यहाँ पर आने वाले लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो मंडी की होली फेमस करने में मंडी वासियों का बहुत बड़ा योगदान है। वहीं धर्मशाला में केसीसी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए भीम यूपीआई की सुविधा शुरू कर दी है। वहीं केसीसी बैंक के चेयरमैन कुलदीप पठानिया ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि इसके साथ ही बैंक की तरफ से प्रदेश सरकार के पेंशन भोगियों के लिए शुरू किए गए नए पेंशन उत्पाद स्वधन ई पेंशन जीओवी को भी शुरुआत कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर इस दौरान बैंक के कुछ आंकड़ों की बात की जाए तो यूपीआई की शुरुआत में ही पहले दिन करीब करीब 2500 ट्रांजैक्शन भीम यूपीआई के द्वारा की गई, जो कि अब लगातार बढ़ती जा रही है और अब एक दिन में हमारी एवरेज यूपीआई भीम ट्रांजैक्शन लगभग 7410 के करीब हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक बैंक के नए पेंशन प्रोडक्ट की बात है तो इस पेंशन प्रोडक्ट के तहत बैंक की शाखाओं से पेंशन लेने वाले ग्राहकों को भी हमारी ई सैलरी प्रोडक्ट की तरह सभी बैंकिंग सुविधाएं फ्री मिलेंगी। पिछले कुछ समय से आप सभी के मन में जो सबसे बड़ा सवाल था, आज उसी सवाल के लिए आप सबको यहां बुलाया गया है। जी हां, कांगड़ा बैंक का कब अपनी भीम यूपीआई सेवा शुरुआत करेगा, आप लोगों का प्रश्न रहता था, लोगों का रहता था। 1 मार्च 2023 को प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा कांगड़ा बैंक की भीम यूपीआई सेवाओं की विधिवत शुरुआत के साथ बैंक के सामान्य ग्राहकों को हमारी भीम यूपीआई सेवा के उपलब्ध हो गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में गंदा पानी पीने से पीलिया फैल गया है। नौणी विश्वविद्यालय के छात्रों का आरोप है कि गंदा पानी पीने की वजह से एक छात्रा की मौत भी हो गई, जबकि 10 से अधिक छात्र पीलिया की चपेट में है। वहीं जब नौणी विश्वविद्यालय प्रशासन के बारे में इस विषय में बात की गई तो उनके तरफ से इस बात को साफ तौर पर नकारा गया। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने माना है कि विश्वविद्यालय में पीलिया के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं विश्वविद्यालय के बच्चों का कहना है कि प्रशासन को इसके बारे में पहले से अवगत कराया गया था, लेकिन प्रशासन ने इस बारे में ध्यान नहीं दिया और इसकी वजह से किसी को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन लगातार छात्रों से बात करके इस मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहा है। खबर नूरपुर से है, जहां विधायक रणवीर सिंह निक्का ने कहा कि नूरपुर का यह अस्पताल 5 विधानसभाओं को स्वास्थ्य लाभ देता है, जिसमें नूरपुर, इंदौरा, फतेहपुर, ज्वाली और चंबा की भटियात विधानसभा शामिल है, जहां से काफी संख्या में मरीज इस अस्पताल में आकर स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस अस्पताल में मातृ शिशु अस्पताल भी बनकर तैयार हो गया है, जिसका मात्र फंक्शनल होना बाकी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए उन्होंने विधानसभा में आवाज भी उठाई थी कि इस अस्पताल को शीघ्र स्वास्थ्य सेवा में लाया जाए, ताकि मरीजों को महंगे अस्पतालों की तरफ रुख ना करना पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल में व्हीलचेयर, स्ट्रेचर और ईसीजी मशीन की कमी है, जिसे लेकर वो अपनी विधायक निधि से 4 स्ट्रेचर, 4 व्हीलचेयर और ईसीजी मशीन का प्रावधान कराएंगे। आज हम अपने डॉक्टर जो हमारे यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, हमारा स्टाफ जो यहाँ पर भी अपने लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, आज उनसे मिलने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए, किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट उनकी है उसको भांपने के लिए आज इनके बीच में हम आए हैं। जो कमियाँ हैं उसको हम मिलके दूर करेंगे। यहाँ पर जो जो सुविधा हमारे स्टाफ को चाहिए वो पूरी करने के लिए मैंने इनके साथ वायदा किया है। एक और जहां नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पूरी भाजपा सेना सुक्कू सरकार पर जमकर आग उगल रही है, वहीं दूसरी ओर मंडी सदर से भाजपा विधायक अनिल शर्मा के व्यक्तिगत संबंध सुक्कू सरकार के खिलाफ कुछ भी टीका टिप्पणी करने की इजाजत नहीं देते। ऐसा ही कुछ पत्रकार वार्ता के दौरान उस वक्त देखने को मिला जब अनिल शर्मा सुक्कू सरकार की तारीफ करते हुए नजर आए और ये कहते हुए पाए गए कि मेरे निजी संबंध से मैं काम करवाऊंगा, चाहे बजट हो या ना हो। वहीं जयराम के उस दावे पर हंसते हुए उन्होंने इतना भी जरूर कहा कि जयराम ही जाने कि वो किस आधार पर बीजेपी की आने की बात कर रहे हैं। वह हर 5 साल के बाद परिवर्तन की जो एक बात चल रही है, इस बार भी जो है देखने को मिला कि इस बार भी जो है 5 साल के बाद
बहुत कुछ करने के बावजूद भी सरकार परिवर्तन हुआ है। जहां तक वर्तमान सरकार बनी है, जिसका पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय जयराम जी ने इस बात को रखा कि जब सरकार बदलती है वो अपने आप से सरकार चलाने का प्रयास करती है। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में होला मोहल्ला मेला शुरू हो गया है, जो 9 मार्च तक चलेगा। वहीं आपको बता दें, श्री आनंदपुर साहब के समीप ऊंची पहाड़ी पर स्थित श्री नैना देवी मंदिर में ये मेला चल रहा है। जानकारी के मुताबिक ज्यादातर श्रद्धालु पंजाब के आनंदपुर साहिब में दर्शन करके माता श्री नैना देवी के दरबार में पहुंचते हैं और माता का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करके अपने घरों को वापस चले जाते हैं। वहीं पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली से काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने होला मोहल्ला के दौरान माता जी के दर्शन किए और अपनी मनोकामना पूर्ण की। होला शुरू हो गया आज नैना देवी में, यात्री सारे लाइन में भेज रहे हैं और दर्शन करने के प्रबंध पूरे किए गए हैं। आज से 5 दिवसीय होला मोहल्ला मेला शुरू हो गया है। आज बहुत श्रद्धालु माता जी के चरणों में दर्शन के लिए आ रहे हैं और ये लगातार 5 दिन तक चलेगा। जो श्रद्धालु आनंद स्वाब में दर्शन करने के लिए, मथुरा टेकने के लिए आते हैं, उनमें से मैक्सिमम लोग जो हैं वो माता नैना देवी के भी दरबार में नतमस्तक होते हैं। असी अज श्री नैना देवी जी आए हैं, ये अपना होले महल्ले का मेला चल रहा है। ये जिन्हें भी श्रद्धालु आनंदपुर साहब आने हैं, ये तकरीबन सारे नैना देवी आने हैं मत्था टेकने वास्ते। असी भी अज उन्होंने मतलब सेवा पानी लिए चाह का छोटा जहा लंगर लाया माता रानी की कृपा। वहीं नालागढ़ के गांव सल्लेवाल में नवजात शिशु के शव के मिलने का मामला सामने आया है। पुलिस ने थाना नालागढ़ के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस को सूचना मिली थी कि सल्लेवाल में साथ लगती पुलिया के किनारे मृत अवस्था में शिशु पड़ा है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आगे रवाना कर दिया। वहीं पुलिस भी मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इसी के साथ आसपास के एरिया में भी पूछताछ की जा रही है। वहीं आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आपको बता दें पोस्टमार्टम के लिए आगे नालागढ़ अस्पताल भेज दिया है। डीएसपी नालागढ़ मानवेंद्र सिंह ने बताया कि सल्लेवाल से सूचना मिली थी कि नवजात शिशु मृत अवस्था में पड़ा है, जिसके बाद पुलिस घटना पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। हमारे पुलिस थाना नालागढ़ के पुलिस क्षेत्र में सल्लेवाल एक गाँव है, वहाँ की मार्केट के पास एक पुलिया एक जो छोटा सा नाला है उसके किनारे में मिला है, बोरी के अंदर था नवजात शिशु का शव। अब देखिए, हमको तो अभी शव जो रिपोर्ट मिलेगी वो शव मिला है तो हमने कब्जे में ले लिया है और उसको अभी हमने डेड हाउस में रखवाया है। हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम भी होगा तो अभी मौत का मृत्यु का कारण है कि मारा गया है या अपने आप मरा है पोस्टमार्टम। हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।